राम राम सभी ने बायोग्राफी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो जो है मिलिंद गुनाथ जी के ऊपर होगी मिलिंद गुनाथ जी का जन्म जो है 23 जुलाई उन्नीस को बॉम्बे महाराष्ट्र भारत में हुआ था वो एक अभिनेता नेता जिन्हें देवदास 2002, हजार दो थ्री दो और व्योम केश बक्सी उन्नीस के लिए जो है जाना जाता है इन्हीं के बारे में जो आज हम बात करेंगे मिलिंद गुना जी जो है हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन कलाकार हैं एक भारतीय मॉडल एक्टर टी वी होस्ट और, और लेखक हैं जो हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाना जाते हैं इनका जन्म 23 जुलाई उन्नीस को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था मिलिंद ने एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम उन्नीस में फिल्म को से रखा था उसके बाद उन्होंने कई हिंदी व मराठी फिल्मों में काम किया फिल्मी दुनिया के अलावा मिले कई टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं इसमें व्यो मुकेश बख्शी धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान वीर शिवाजी हमने ली है शपथ ये जो है फिर फिर हेरा फेरी फिल्म में भी जो है नजर आए थे जिस देश में गंगा रहता है उस फिल्म में भी जो है इनको आपने देखा हुआ है ये ज्यादातर जो है नकारात्मक भूमिकाओं में नजर आते थे छः फुट जो हाइट थी इनकी और जो है वजन की बात करें तो पचासी किलोग्राम फिलहाल जो है ये साठ साल के हो चुके हैं पुणे महाराष्ट्र में ही रहते हैं ये बात करें जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं पशदींदा अभिनेता है इनके संजय दत्त अजय देवगन अमिताभ बच्चन पशदीदा भी नेत्रियाँ शिल्पा शेट्टी और रेजा आशा भोसले जो गायक इनको काफी पसंद है गर्ल फ्रेंड रही इनकी रानी गुनाजी जी मराठी चैनल में एंकर भी रही है फिलहाल जो इनकी पत्नी भी वही है रानी गुनाजी जी बेटा जो है अभिषेक है उन्होंने जो है साठ से भी ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया उन्नीस में उनकी फिल्म फरेब से उनको जो है इंस्पेक्टर इंद्रजीत काफी प्रसिद्ध हुए हुए बात करें जो है नान बाई का रोल किया था इन्होंने फिल्म मेरा फेरी में जो काफी पसंद किया गया वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना